रिकॉर्डिंग करो। तो सो फ्रेंड्स, ये मेरी इतनी अच्छी आइडिया, हम इतने अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट करते हैं गॉसिप से ही। आप पता लगा एक और बहुत ही बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मैं बताते हैं आपको आगे में सब। वो फ्रेंड्स यहाँ पे है, बहुत ही अच्छे मतलब दमदार पर्सनैलिटी जिनको बोलते हैं इनको, ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है और इनसे पूछते हैं, ये इनका बेटा है बहुत सुंदर ताशु। हाउ ताशु, हाय मेरे फ्रेंड को। ये ताशु है गाइस, ये बहुत ही अच्छा है कॉलोनी का बच्चा और बहुत ही एक्टिव है, बहुत एंटरटेनमेंट कराता है ये। हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और ये है मेरे सारे दोस्त कॉलोनी के। ये ताशु है, हाय बोल ताशु, और दोस्तों को हाय करो। और ये मेरी फ्रेंड है अवनी, और इनका नाम क्या है, क्या है आपका नाम? गुंजन है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है आजकल जो है सर्दियों का मौसम है और हम सब का क्या शेड्यूल होता है सर्दियों में, वो मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग के द्वारा। यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे भाभी है, ये मेरे बहुत अच्छे हैं और ये अपना काम करे यहाँ पर। फ्रेंड देख सकते हैं जो दिन का काम होता है डेली, आप देख सकते हो जो भी वर्क होता है, इसी तरह से अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं घर के कामों में, और बुनाई भी बहुत सुंदर करते हैं। ठीक है, तो इनसे पूछते हैं, हाँ बताओ ऐसे ही, मतलब हम लेडीज अधिकतर अधिक समय क्या करते, बुनाई में व्यतीत करते हैं ना सर्दियों का समय। हाँ जी, हाँ जी, घर के कामों में व्यतीत होता है सारा समय, पता भी नहीं चलता है कि कब समय खत्म हो जाता है। इधर स्वेटर बुन रहे हैं और ये बहुत ही, ये वाले जो, ये इनका नेचर इतना मस्त है, इतने हंसते हमें हंसा हंसा के पूरा हाल कर देते हैं ये वाले। सच में हमें कॉमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ती गाइस, हम भी थोड़े कैमरे के सामने हो जाता है, सबको होता है, लेकिन इनका नेचर इतना अच्छा है कि इनकी हंसी से सारे कॉलोनी वाले हंस जाते हैं। फ्रेंड्स, किसी की हंसी नहीं रुकती इनके आगे। और ये हमारे दूसरे, ये कॉलोनी के आंटी बहुत अच्छे, और ये देखिए, ये हमेशा जो है हम अपनी सर्दी कैसे व्यतीत करते हैं, स्वेटर बुनते हैं हर वैरायटी में। और यहाँ की, अब इनसे पूछते हैं फ्रेंड, यहाँ की जो लेडीज़ होती है सर्दियों के समय, वो अधिकतर समय कहाँ कहाँ पर व्यतीत करती है, कैसे अपनी सर्दी को मतलब पूरा दिन निकालती है? मैंने पहले तो अंदर का काम करते हम सारा पूरा घरों का, फिर हम बाहर सारी दौड़ते बैठती है, फिर बुढ़ाई जुनूई करने में मस्त व्यतीत हो जाता है, हंसी मजाक में इसके साथ, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को बनाई बतानी है जो भी काम होता है, फिर हमारा टाइम व्यतीत हो जाता है। हाँ, इस तरह से टाइम निकल जाता है। बढ़िया बढ़िया टाइम। तो देखा गाइस, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि ये जो है घर का सारा काम करते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम इनके पास बचा होता है वो बुनाई में निकाल लेते हैं और आपस में बातचीत करके फुल एंटरटेनमेंट जो एक दूसरे से कर लेते हैं, और इस तरह से इनका बहुत अच्छा टाइम बीतता है। हाँ बोलो, खूब मजा आता ना इसमें? हाँ। अच्छा, और तो गाइस, ये हमारे कॉलोनी के बहुत ही क्यूट और प्यारे बच्चे हैं जो जो है बहुत मस्ती करते हैं। हाँ बोलो ताशु, आप कुछ बोल रहे हो? जो बहुत मस्तियाँ करते हैं और बहुत इंजॉय होते हैं इनके साथ, बोलो ताशु। अब जो है सर्दी में बर्फ आने वाली है और मैं आपके लिए जरूर सर्दी में स्नोफॉल की वीडियो जरूर बनाऊंगी, और मैं वेट करूंगी आए फर्स्ट स्नोफॉल इस बार सर्दी में, और जरूर बना के दूंगी गाइस। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो कमेंट कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।